हिमस्खलन में दबे पर्वतारोहियों को खोजने में रंगीन रस्सी ने खोजी दलों की काफी मदद की है। ट्रैक के ऊपर से जब हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरकर रेके की तो पर्वतारोहियों की रंगीन रस्सी सफेद बर्फ पर दिखाई दी। काफी दूर तक यह रस्सी दिख रही थी। इसके बाद वहां पर करीब 1.5 दिन की मेहनत के बाद संयुक्त खोजी दल पहुंचा और मैनुअली लोगों यानी कि शवों की तलाश में जुट गया। जो लोग गहरे क्रेवास में फंसे उन्हें निकालने में काफी समय लग रहा है। दरअसल बर्फ में कई फीट या मीटर गहराई तक दबे शवों को खोजने के लिए कोई विशेष तकनीक खोजी दल के पास नहीं होती है। इसके लिए मैनुअल ही उन्हें चढ़ाई वाले रास्ते से अंदाजा लगाकर खोजा जाता है। यह दल क्रेवास में फंसे शवों को मैनुअली बाहर निकाल रहे हैं। जो लोग अभी नहीं मिले हैं उनके बारे में आशंका जताई जा रही है कि वह इसके आसपास ही किसी गहरे क्रेवास में फंसे हुए हैं। गहरे क्रेवास में फंसे लोगों को निकालने में ज्यादा समय लग रहा है। इसका कारण है कि इनमें बड़ी मात्रा में बर्फ भर जाती है।